Welcome in Unacademy Life 7. Today I will discuss about DNA replication or DNA duplication. That is for BSc Part 2, Class 12th, CBSC, UP Board, and MSc. And for competitive examination TGT and PGT. Unacademy Life 7 में आपका स्वागत है. आज हम DNA duplication जो कि BSc Part 2, BSc Part 3, Class 12th CBSC, UP Board, NEET, TGT, PGT और MSc classes के लिए है. You know, DNA is double stranded structure. सबसे पहले आपको ये जानना है कि duplication किस division में होता है. Duplication केवल mitosis में होती है. Duplication takes place in mitotic division क्योंकि पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में और दोनों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये पेरेंट सेल के बराबर होती है. इसीलिए डीएनए का डुप्लीकेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन. ए सेमी कंजर्वेटिव टाइप है. डीएनए दो हेलिक्स का बना हुआ है और ये दोनों हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं. At the time of replication, breaking of hydrogen bond takes place by helicase enzyme. Helicase enzyme के द्वारा ये bond टूटता है. दोनों set bifurcate हो गए और जैसे bifurcate होते हैं नए set का formation प्रारंभ हो जाता है. Because न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सेल में उपस्थित होते हैं. तो एक तरफ से अनवाइंड होता है, अनक्वाइल्ड होता है, खुलता चला जाता है और दूसरी तरफ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है. इस प्रकार से रिप्लिकेशन के पश्चात दो थ्रेड सेपरेट होते हैं और दोनों थ्रेड फिर नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्मेशन के पश्चात फिर दोनों न्यूक्लियोटाइड, दोनों थ्रेड, दोनों स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं. इसमें एक ओल्ड थ्रेड होता है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यू थ्रेड बन जाता है. तो इस टाइप में हमेशा जो डीएनए थ्रेड बना, डीएनए स्ट्रैंड बना, हेलिक्स बनी, उसमें एक थ्रेड पेरेंट का होगा माने ओल्ड थ्रेड और दूसरा होगा न्यू. तो ये डीएनए डुप्लीकेशन इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस का ये मूलभूत सिद्धांत है. अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर. इसका मैकेनिज्म यह है कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है. मैंने बताया कि ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम दैट इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड्स. That is adenine nucleotide,
साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एंड थायमिन न्यूक्लियोटाइड विच फॉर्म्स डीएनए मॉलिक्यूल, और ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स सेल में प्रेजेंट है। तो इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और दोनों थ्रेड इसके अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये दूसरा एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और पॉलीमरेज एंजाइम ये फिर जो छोटे थ्रेड बनते हैं और इनके न्यूक्लियोटाइड को एक सीक्वेंस में ला देता है, जैसे ये थायमीन है तो ये एंजाइम एडिनिन को इसके अपोजिट लाएगा, एडिनिन के अपोजिट थायमीन, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन। इस तरह से पॉलीमरेज एंजाइम पुट्स द न्यूक्लियोटाइड इन प्रॉपर सीक्वेंस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पुट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इस तरह से स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऐड किए जाते हैं, ऐड करके एक नया थ्रेड फॉर्मेशन हो जाता है, और इस फॉर द एडिशन ऑफ न्यू थ्रेड, न्यू स्मॉल थ्रेड्स इनटू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड थ्रेड, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइगेज एंजाइम। तो इस प्रकार से हेलिकेज एंजाइम ने थ्रेड को ब्रेक किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, दोनों थ्रेड सेपरेट हो गए। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको प्रॉपर सीक्वेंस में ला करके ओल्ड थ्रेड से जोड़ दिया। अब इस तरह से छोटे छोटे खंड तैयार हो गए, और इन खंडों को फिर जोड़ करके एक कंप्लीट हेलिक्स ये बनाते हैं, और ये एंजाइम है आपका लाइगेज एंजाइम। तो इस प्रकार से दो डीएनए मिल जाते हैं, मतलब एक डीएनए से दो पेरेंट डीएनए क्रोमेटिड फिर क्रोमोजोम में कंप्लीट हो जाता है। अब हम आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम शेयर कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन फर्स्ट हेलिकेज व्हिच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड पॉलीमरेज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए लाइगेज दैट एड्स स्मॉल सेगमेंट न्यूली बॉर्न फॉर्म सेगमेंट इनटू लॉन्गर वन लाइगेज, एंड लास्ट है न्यूक्लियेज एंजाइम, और यह न्यूक्लियेज एंजाइम ये पुनः डीएनए की हेलिक्स को कंप्लीट कर देता है। इस प्रकार इस मैकेनिज्म में मुख्य रूप से हेलिकेज एंजाइम जो कि दोनों थ्रेड को अलग करता है, दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम जो सेल में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उन न्यूक्लियोटाइड्स को ये प्रॉपर सीक्वेंस में लाता है, ए के सामने टी, सी के सामने जी, और बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरह से पहले छोटे छोटे खंड बनेंगे डीएनए के, और ये डीएनए के छोटे छोटे खंड फिर एंजाइम लाइगेज के द्वारा ये कंप्लीट कर दिए जाते हैं, पूरा थ्रेड बन जाता है, और न्यूक्लियेज एंजाइम दैट फॉर्म्स डबल हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आज के लेक्चर में मैंने आपको डीएनए का रेप्लिकेशन बताया, और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये माइटोसिस का मेन प्रिंसिपल फंडामेंटल है, क्योंकि माइटोसिस में एक पेरेंट डीएनए एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, और दोनों में
क्रोमोसोम की संख्या ये बराबर होती है। जैसे ह्यूमन में हमने लिया 46, तो यहां भी 46 है और यहां भी 46 है। तो इस प्रकार से ड्यू टू डुप्लीकेशन, अब आपको समझ में आ गया कि डुप्लीकेशन जब होता है तो ये जो है डीएनए दो में बाइफर्केट हो गए और दोनों बाइफर्केट होकर के फिर रिफॉर्मेशन कर लेते हैं, नया थ्रेड बना लेते हैं और नया थ्रेड बना करके दो डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं। एंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल इज इक्वल टू क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट सेल। इस प्रकार से सेमी कंजर्वेटिव में न्यूली फॉर्म्ड डीएनए में एक थ्रेड पेरेंट का होता है, जिसको कि मैंने लिखा है ओल्ड थ्रेड, ओल्ड स्ट्रैंड, और दूसरा होता है न्यूली बॉर्न थ्रेड और स्ट्रैंड, यहां मैंने लिखा है न्यूली न्यू स्ट्रैंड। दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन। हमेशा याद रखिएगा डीएनए रिप्लिकेशन ये माइटोसिस का मूलभूत सिद्धांत है। थैंक यू।